हेलो दोस्तों, सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए जो राजस्थान की मीठे पानी के जिले हैं उनके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आपको मैं बताऊंगा, जो आरपीएससी, राजस्थान एसआई, पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, हाईकोर्ट, एलडीसी, सारे राजस्थान के एग्जाम है उसमें काम में आएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, कौन सी झील NH 89 पर स्थित है? तो कौन सी है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों पुष्कर झील। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील की बात है दोस्तों, तो कौन सी है इसमें? तो इसका सही आंसर भी पुष्कर झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों, कौन सी झील है सबसे ऊंचाई? तलवाड़ा, पुष्कर, बुड्ढा जोहड़, गेप सागर, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तलवाड़ा झील। ठीक है, कनक सागर झील कौन सी जिले में है? तो इसका ऑप्शन है बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बूंदी के अंदर ये स्थित है। बुड्ढा जोहड़ झील किस जिले में है? गंगानगर, बीकानेर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, क्या है इसका आंसर? तो इसका सही आंसर है गंगानगर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र झील जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है, नाम से पता चलेगा, जयसंबंध, अमर सागर, तो इसका सही आंसर राजसंबंध झील होगा क्योंकि राजसंबंध से राजसंबंध नाम पड़ा। पिछोला झील के निर्माण एक बंजारे द्वारा किसके शासनकाल में किया गया? राज सिंह, तो राणा लाखा, 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति, राज प्रशस्ति किस झील पर है? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो सही होगा सबका, राजसंबंध झील। ठीक है, गेप सागर झील किस जिले में है? डूंगरपुर, राजसंबंध, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, क्या है इसका सही आंसर दोस्तों? तो इसका गेप सागर झील दोस्तों डूंगरपुर में स्थित है। मैंने इसकी ट्रिकें भी बताई थी कि कौन से जिले में कौन सी है। सबसे ऊँची, गहरी और विवर्तनिक झील है, तो इसको सभी को पता होगा, इसका सही आंसर है नक्की झील दोस्तों। और ज्वालामुखी, जिसे कालाडेरा झील के नाम से भी जानते हैं, वो निर्मित है, तो इसका भी आंसर सभी जानते होंगे लगभग लगभग, पुष्कर झील इसका सही आंसर होगा दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, एडवर्ड सागर बांध किस झील को कहते हैं? तो बताइए, नक्की, बालसंबंध, बुड्ढा, गेप सागर, तो इसका सही आंसर है गेप सागर झील को एडवर्ड सागर वो कहते हैं। किंवदंती के अनुसार किस झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों से किया गया? नक्की, कोलायत, गेप और गजनेर, तो इसका सही आंसर है नक्की झील दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है, भारत की दूसरी कालाडेरा झील कहाँ स्थित है? लोनार, महाराष्ट्र, चिल्का, नक्की, वेलीनाग, तो इसका सही आंसर है लोनार, महाराष्ट्र। किस झील में गोमती नदी का पानी आकर गिरता है? किस में गिरता है? ऑप्शन है आपके पास सारों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजसंबंध झील में गोमती नदी का पानी गिरता है। NH 15 पर कौन सी झील स्थित है? बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है कोलायत झील। बादल महल किस झील के मध्य बना है? तो इसका बताइए दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास सार, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, गेप सागर झील। चंद्रा नदी के पानी को रोककर कौन सी झील बनाई गई? चारों ऑप्शन है आपके पास, 5 सेकंड है दोस्तों, बताइए, तो इसका सही आंसर होगा आना सागर झील। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, ये बताइए, पृथ्वीराज चौहान, गंगा सिंह, मान सिंह, अणोराज, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अणोराज, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, उसके दादाजी थे। 1911 में मैडम मेरी ने महिला घाट बनाया जिसे गांधी घाट कहते हैं, किस झील पर स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ही 2-3 क्वेश्चन भी बने हुए हैं, पुष्कर झील। ठीक है, फॉय सागर झील किस जिले में है? अजमेर, हनुमानगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर, तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास? चार ऑप्शन है, तो सही आंसर है इसमें अजमेर। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किस झील को कहते हैं? मोती, कायलाना, बालसंबंध, कोलायत, तो इसका सही आंसर होगा कोलायत झील दोस्तों। 23वां क्वेश्चन है, NH 8 पर कौन सी झील स्थित है? सेलिसेड, मोती, उदय सागर, कोलायत, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सेलिसेड झील। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, मीठे पानी की झीलों के, खारे पानी की भी लाएंगे। वर्तमान में किस झील में राजीव गांधी कैनाल का पानी आता है? तो इसका सही आंसर है कायलाना झील। 25वां क्वेश्चन है, भरतपुर की लाइफ लाइन जीवन रेखा किस झील को कहते हैं? मोती, बालसंबंध, कोलायत, उदयपुर, तो कौन सा इसका सही आंसर है? मोती झील। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा किस झील को दी गई है? गजनेर, गेप सागर, कोलायत, आना सागर, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गजनेर झील। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह का द्वारा।
फतेह सिंह द्वारा पुनर्निर्माण, उम्मेद सिंह और सलेह खां। तो दोस्तों इसके दो आंसर होंगे, 1678 में जय सिंह ने निर्माण करवाया था और फतेह सिंह के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है, किस झील पर मोती मगरी में प्रताप का स्मारक, सहेलियों की बाड़ी और एक सौर वेधशाला की स्थापना की गई। चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर फतेह सागर झील होगा दोस्तों। 29वां क्वेश्चन है, तालाब साई झील का निर्माण किसने करवाया, ड्यूक ऑफ कनॉट, उम्मेद सिंह, जहांगीर के मन सलेह खां और बंजारे द्वारा। तो इसका सही आंसर सलेह खां द्वारा। किस झील में सीसा, रमा और बुजड़ा नदी आकर गिरती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है पिछला झील या पिछोला झील, मिस्टेक है इसमें, पिछोला झील होगा दोस्तों, पिछला नहीं। स्वरूप सागर झील किस झील को कहते हैं, चार ऑप्शन है आपके पास, इसका सही आंसर होगा दोस्तों पिछोला झील को ही स्वरूप सागर कहते हैं। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहते हैं, सेलिसेड, मोती, पिछोला और फतेह सागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए, सेलिसेड झील। 33वां क्वेश्चन है, किस झील के टापू पर नेहरू उद्यान का निर्माण किया गया, मोती झील, फतेह सागर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील। तो इसका सही आंसर होगा फतेह सागर झील दोस्तों। 34वां क्वेश्चन है, किस झील पर जग मंदिर, जग निवास महल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके पास, और ये जिले भी याद रखना कि कौन से ज़िले में कौन सा है, तो पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। जग मंदिर, जग निवास महल का निर्माण किसने प्रारंभ किया और किसने पूर्ण किया दोस्तों, ऑप्शन आपके पास चार, निर्माण किया था करण सिंह ने दोस्तों। डेबर झील किस झील को कहा जाता है, आपके पास ऑप्शन है चार, बताइए। तो इसका सही आंसर है जयसमंद झील को डेबर झील कहते हैं दोस्तों। बाबा का भांगड़ा प्यारी, बाबा का मगरा, ऐसे कुल 7 टापू किस झील पर स्थित है, बताइए, चार ऑप्शन है। तो इसका जयसमंद झील उदयपुर में होगा दोस्तों। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे बड़ी झील है दोस्तों जयसमंद झील उदयपुर, इसका सही आंसर। दूसरा, कौन सी झील थार के मरुस्थल का मरु उद्यान कहलाती है, चार ऑप्शन है, बालसमंद, गड़ीसर, बुड्ढा जोहड़, कोलायत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोलायत झील, बीकानेर में जो स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ है, जयसमंद, बेरीनाग, चिल्का, गोविंद सागर, हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर होगा गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश, और राजस्थान की हो गई दोस्तों जयसमंद झील। तो शून्य टू इन्फिनिटी चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों मिलती रहें। ऐसे वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए। तो ये तो मीठे पानी की झीलें थी दोस्तों, अब अगले आने वाला वीडियो क्वेश्चनों का वो होगा खारे पानी की झीलों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन।